बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज संपूर्ण देश भर समेत शहर में बप्पा का आगाज हुआ। गाजे बाजे के साथ श्री की अगवानी की गई। सिद्धिदायक गणपति सुख समृद्धि यश ऐश्वर्य वैभव संकट नाशक ऋणहर्ता विद्या बुद्धि और ज्ञान के देवता गणपति का आगमन हो चुका है। अगले 10 दिन तक महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम रहेगी। शहर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश चतुर्थी की धूम हर जगह देखी जा सकती है। चारों ओर एक ही शोर सुनाई दे रहा है, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, जैसा कि जिस पर्व का सभी को इंतजार रहता है, पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, गणेश चतुर्थी का पर्व यहां पर आ चुका है और गणेश भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। पूरा जनसमुदाय इस समय बप्पा के को अपने घर में लेकर जाने के लिए, अपने मोहल्ले में लेकर जाने के लिए यहां पर बेताब है। एक ऐसे भगवान जिस हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सुख करता है, दुख हरता है, विघ्न हरता है। और इस समय ये आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने मनपसंद के भगवान को अपने घर पर लेकर जाने के लिए यहाँ पर बेताब है। और CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर, इस पावन मौके पर हम काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी, पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे कि किस प्रकार से इसकी तैयारी चल रही है, गणेश जी का जो त्यौहार है, और अब वो समय आ चुका है। और ऐसे ही एक भक्त हमारे अविनाश जी इस समय यहाँ पर मौजूद है। अविनाश भाव, कब से आप, कितने सालों से आप अपने घर में गणेश जी को? ये अभी पहला साल, मेरा पहला साल है। सहयोग मेरा पूरे चंद्रपुर के अंदर में सभी गणेश मंडलों को साथ में सहयोग रहता है उनके मेरा। तो इस दिन का विशेष महत्व रहता है? इस दिन का विशेष महत्व है महाराष्ट्र पूरे जगभर में, ये उत्सव बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। आपकी कोई इच्छा है जो बप्पा से मांगना चाह रहे हैं, कि आपकी कोई मनोकामना? हाँ, मैंने जो मांगा था वो मेरे को मिला है, इसलिए। चलिए, आपकी हर मनोकामना है। देखिए, मैं जैसा अविनाश पुट्टेवार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने जो मांगा, अभी मैंने कहा कि ये सुख करता है, दुख हरता है, विघ्न हरता है, आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। और आप बताइए, आप कब से गणेश जी की स्थापना करते हैं? जन्म से साल हो गए टोटल गणेश जी की स्थापना हो रहे हमारे घर में। जी, हमारे पिताजी और हमारी मम्मी जी, उनके आशीर्वाद से आज 32 साल हो रहे। अच्छा, गणेश जी और मेरा बेटा भी आया है अभी हमारे साथ। बेटा भी आया है सामने। 32 साल से जब से आप जन्म हुआ तब से गणेश जी हमेशा भलाई कर रहे हैं। आप कब से पर्व मान रहे हैं, जब से आपके बेटे का जन्म हुआ तब से? 1984। आपका नाम? जानकीराम। जानकीराम, आपके नाम में ही राम जी का नाम है, सब अच्छा ही होगा, कल्याण होगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा, 1 2 3 4। शहर में जगह जगह रौनक भी दिखाई दे रही है। शहर में तकरीबन 15,000 से ज्यादा गणेश पंडालों के अलावा घर घर में गणपति की मूर्ति विधि विधान के साथ स्थापित की जाती है। शिव पार्वती के पुत्र भारतीय धर्म और संस्कृति में सबसे पहले पूजनीय और प्रार्थनीय है। उनकी पूजा के बिना कोई मंगल कार्य शुरू नहीं होता। 11 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को विभिन्न मंडलों के अलावा घर घर में श्री की मूर्ति स्थापित कर मनाया जा रहा है। लोग भक्ति भाव से अपने घरों में बाप्पा की आरती और पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं विभिन्न पंडालों में भी विभिन्न रूपों और सजावट के साथ मूर्ति स्थापित कर पूजा जा रहा है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यह उत्सव मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि इन 10 दिनों में बाप्पा अपने भक्तों के घर आकर दुख हर कर ले जाते हैं। हमारे संवाददाता ने गणेश स्थापना पर विशेष कवरेज करते हुए भक्तों से बातचीत की। कितने सालों से आप भी गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं? हमारा 14 साल है। और जैसा कि इस दिन का कुछ महत्व बताइए। आज गणेश चतुर्थी के निमित्त से हम लोग आज हम गणपति बनना बिठाते हैं घर में, और हमारा ये जो गणपति है, ये हमने जो मन्नत का है, हमने अपने बेटे के लिए, छोटे बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, कि हमने यही कहा था कि भला ही हमारा सर चाहे
भगवान के सामने या मिट्टी के सामने झुक जाएगा तो चलेगा, लेकिन किसी ऐसे पत्थर दिल इंसान के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए करके हमने भगवान जी गणेश भगवान की बहुत दिल से प्रार्थना की और हमने कहा कि हमसे जितना बन पाए, मेरे बेटे के लिए, छोटा बेटा था मेरा, उसके लिए मैंने ये मन्नत बोली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए मेरे से जो शक्ति से होता है वैसा मैं गणेश जी आपको बिठाती जाऊंगी। मेरे जैसे ये दो बच्चे हैं ऐसा आप भी मेरे बेटे के जैसा है, मेरी जब तक मतलब मैं कर सकती हूँ तब तक मैं आपको बिठाती जाऊंगी। जिस दिन से मुझे नहीं होगा तो मेरा बेटा आगे करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपने बच्चे के लिए ये गणेश जी को बिठाऊंगी करके मैंने ऐसे मन्नत बोली थी। और उसी बहाने से ये आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं है ना अपने बच्चे के नाम से ये छोटा गणपति बिठाती रहती हूँ। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरा सर अगर झुके तो कभी पत्थर दिल इंसान के आगे नहीं झुके, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतने लोगों की मुलाकात लेता हूँ लेकिन ऐसी मुलाकात मैं पहली बार लिया कि आपने जो जो मन्नत मांगी है गणेश जी की, मुझे चाहे कोई भी आए दुनिया में कोई भी आए, लेकिन जिसके दिल में पत्थर है, जिसके दिल में रहम दया ममता नहीं, उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। म्हणजे कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात ही आपण गणेशापासून सुरुवात करतो आणि गणपती उत्सव आज संपूर्ण भारतामध्ये आज प्रारंभ होत आहे। गणपती हा विघ्नहर्ता आहे, प्रत्येक व्यक्तीचे विघ्न दूर करणे आणि त्याला सुखी समृद्धी ठेवण्याचं कार्य हे गणपतीपासून प्रारंभ आहे। आपल्या देशामध्ये गणपतीची स्थापना करण्याची जी परंपरा आहे ती 200-300 वर्षापूर्वीपासूनचे जवळपास आहे, असंही म्हणायला हरकत नाही की कदाचित जेव्हापासून मानवाची निर्मिती झाली असेल तेव्हापासूनच गणपती स्थापन झालेला आहे। भक्तों ने श्री गणेश भगवान की महिमा का बखान किया और अपनी आस्था और हुए अनुभवों को बताया, साथ ही गणेश स्थापना की पुरातन परंपरा को बरकरार रखने की बात कही। अमूमन शहर में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी रौनक और चहल पहल नजर आई और अगले 10 दिनों तक विभिन्न आयोजनों के साथ रहेगी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी विजयराव वैरागड़े इनके यहाँ इसकी स्थापना कर परिवार सहित विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैरागड़े परिवार 71 वर्षों से अपने यहाँ श्री की स्थापना कर धूमधाम से यह उत्सव मनाते हैं। उसी के तहत 13 सितंबर को वैरागड़े परिवार ने श्री की स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस समय राजेश वैरागड़े, प्रशांत वैरागड़े, श्रीकांत वैरागड़े आदि उपस्थित थे। आणि हे गणपतीच आमच्याकडे म्हणजे किती 71 वर्षापासून चालू आहे। यांचा परिवार पाच गावांचा परिवार आहे आणि कार्यक्रम चालू आहे। मुलं माझे 3 मुलं, सुना, नातवंड, बरंच वाक्त परिवार आहे। गणपति बप्पा मोरिया, और जिस पर्व का इंतजार पूरी दुनिया करती है, पूरा देश करता है, वो पर आ चुका है और गणेश जी विराजित होने के लिए तैयार है और लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आप देख सकते हैं। इस समय CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर, और ऐसे समय एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे आकर्षक मूर्ति भगवान ने के समय आप देख सकते हैं। रंग रूप का मिश्र इतना शानदार है और ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर साक्षात विराजमान है। सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता, जैसा कि इनके नामों में एक सच्चाई, एक ताकत है। और हमने काफ़ी लोगों से बातचीत किया और बातचीत के दौरान हमने ये पाया कि जब जब जिन्होंने जो भी मन्नत मांगी है, हर मन्नत को पूरा करने वाली एक शक्ति, एक ताकत एक भगवान के अंदर है। ऐसा कोई इंसान कोई भी ये दर से खाली नहीं किया जिन्होंने अपने घरों में भगवान को विराजित किया। और 30-40 साल से लोग गणेश जी की अपने घरों में मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। और ये मंगल मूर्ति मौर्या, जैसा गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, ये ऐसा कोई नहीं है कि जिस घर में ये विराजित हुए उनका अमंगल हुआ, इसलिए मंगल मूर्ति मौर्या। और ये इस समय गणेश जी का जो पर्व इस समय पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लोकमान्य तिलक जी ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए इस त्यौहार की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार हो चुका है कि हम लोगों की धरोहर बन चुका है और सभी धर्म सभी मजहब के लोग एकमात्र एक ऐसा त्यौहार, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या बौद्ध, सभी क्रिश्चियन, सभी धर्म के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और एकजुटता को करने का एक ऐसा त्यौहार है। लोग अपने पंडाल में, अपने घरों में, अपने मंडलों में और अपने घरों में 10 दिन तक एक ही गणपति बप्पा मोरिया। बोलो गजानन महाराज की जय। राजीव लोंडे के साथ में CTV न्यूज हर कदम खबर की।